मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। ज्योतिष में मंगल का एक बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है, और वो इसलिए भी है क्योंकि मंगल हमारे शरीर की, हमारे जीवन की सुरक्षा का स्वामी है। लेकिन जब मंगल खराब होता है तो जीवन में बहुत सारी तरह की मुश्किलें आ जाती हैं, और जब मंगल कमजोर होता है तो जीवन की जो ताकत है वो कम हो जाती है। खराब ग्रह में और कमजोर ग्रह में अंतर होता है, इसलिए आज हम आपको बताएंगे कि अगर आपका मंगल खराब है तो उसके प्रभाव क्या हैं, और ये भी बताएंगे कि अगर आपका मंगल कमजोर है तो उसके प्रभाव क्या हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर मंगल की खूबियां क्या हैं, मंगल की विशेषताएं क्या हैं, मंगल हमारे जीवन में किस तरह का प्रभाव पैदा करता है, किस तरह का असर हमारी जिंदगी पर मंगल डालता है। देखिए, मंगल को ग्रहों में सेनापति माना जाता है। सेनापति का काम क्या होता है? सेनापति का काम होता है राज्य को सुरक्षा देना। तो मंगल हमारा सेनापति है, इसका मतलब हमारे शरीर को और हमारी जिंदगी को सुरक्षा प्रदान करता है। मंगल जो है ये बड़ा शक्तिशाली प्लेनेट है। ये शक्ति का, ऊर्जा का, आत्मविश्वास का और पराक्रम का स्वामी होता है। मंगल शक्ति, ऊर्जा, आत्मविश्वास और पराक्रम का स्वामी है। मंगल का जो मुख्य तत्व है, बेसिक एलिमेंट है, वो है फायर, अग्नि तत्व का मालिक है। हालांकि मंगल के पास एक जल की राशि भी है, लेकिन ज्यादातर मंगल का जो इलाका है वो अग्नि तत्व का होता है, और मंगल का जो मुख्य रंग होता है वो होता है लाल रंग। मंगल की जो धातु होती है वो होती है तांबा, कॉपर पर इसका आधिपत्य होता है, और मंगल का जो अनाज होता है वो होता है जौ। मंगल की दो राशियां हैं, मेष राशि और वृश्चिक राशि। मेष राशि में मंगल अग्नि का स्वामी हो जाता है, और वृश्चिक राशि में मंगल जल का स्वामी होता है। लेकिन जल भी कैसा, उबलता हुआ, पता नहीं चलता देखने से, लेकिन हाथ लग गया तो हाथ जल जाएगा। यानी मेष और वृश्चिक राशि का मालिक होता है मंगल। मंगल मकर राशि में सबसे ज्यादा मजबूत होता है। मकर राशि मंगल की बहुत प्रिय राशि है, मंगल यहां काफी ताकतवर होता है, और मंगल कर्क राशि में यानी चार नंबर की राशि में सबसे ज्यादा कमजोर होता है, सबसे ज्यादा वीक होता है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि मंगल के खराब होने की बात दूसरी होती है और मंगल के कमजोर होने की बात दूसरी होती है, और दोनों के उपाय अलग अलग होते हैं। अगर कुंडली में मंगल खराब है तो इसके प्रभाव क्या होंगे? मंगल खराब कैसे होगा? मंगल के ऊपर पाप ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए, शनि की पड़ जाए या सूर्य की पड़ जाए, या राहु केतु से मंगल कंजंक्ट हो जाए, राहु केतु के साथ बैठ जाए, शनि के साथ बैठ जाए, तो मंगल दूषित हो जाता है, मंगल खराब हो जाता है। अगर मंगल खराब है तो इसके लक्षण क्या हैं? लक्षण ये है कि व्यक्ति क्रूर और हिंसक स्वभाव का होता है। जिनका मंगल खराब होता है ऐसे लोग बड़े क्रूएल, बड़े दुष्ट स्वभाव के, बड़े हिंसक होते हैं, किसी को भी तकलीफ पहुंचाने में कोई कमी नहीं छोड़ते हैं। ऐसे लोग जिनका मंगल खराब है छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाते हैं, छोटी सी बात पे क्रुद्ध हो जाएंगे, छोटी सी बात पे उग्र हो जाएंगे, क्रोध दिखाने लगेंगे। जिनका मंगल खराब होता है उनके जीवन में कर्ज की समस्या लगातार लगी रहती है, कर्ज और मुकदमेबाजी की समस्या उनकी जिंदगी में चलती रहती है, और मंगल अगर खराब हो तो कभी कभी जेल के दर्शन भी हो जाते हैं, चाहे एक घंटे के लिए ही सही, एक दिन के लिए ही सही, व्यक्ति जेल जाता है। अगर मंगल खराब है तो ऐसा मंगल वैवाहिक जीवन में उपद्रव मचा देता है, क्योंकि ऐसा मंगल होने से पति पत्नी के बीच में झगड़े तो होते हैं, लेकिन वो झगड़े सामान्य नहीं होते हैं। मार पीट, झगड़ा लड़ाई, हथियारों का प्रयोग, एक दूसरे को मारना, इस तरह की हिंसा पैदा होती है। और मंगल अगर खराब होता है ना तो वैवाहिक जीवन पर बड़ा डीप, बड़ा गहरा असर डालता है, और जिसकी कुंडली में मंगल खराब होता है, पति या पत्नी में से, उसका स्वास्थ्य काफी बिगड़ जाता है विवाह के बाद, ऐसा देखा गया है।
अब मान लिया कि आपका मंगल खराब है, आपका मंगल पीड़ित है पाप ग्रहों से, मंगल खराब है, तो क्या उपाय करेंगे? नियमित रूप से भगवान शिव की उपासना करिए। भगवान शिव की कृपा से मंगल की खराबी दूर होगी, मंगल की खराबी शमित होगी, शांत होगी। तो नियमित रूप से शिव जी की उपासना करें। कैसे करेंगे? रोज सुबह और शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करें। रोज सुबह और शाम 108 बार नमः शिवाय का जप करें। लाल रंग के प्रयोग से परहेज करें। लाल रंग का प्रयोग बिल्कुल मत करिए। अगर मंगल खराब है और आपने लाल रंग का इस्तेमाल कर लिया, दुर्घटना होना निश्चित है, या किसी न किसी ऐसे विवाद में फंसेंगे जहां से निकल पाना कठिन होगा, या ऑपरेशन हो जाएगा या सर्जरी हो जाएगी, तो लाल रंग के प्रयोग से जितना संभव हो परहेज करिए। अगर मंगल खराब है तो सलाह लेकर के एक मोती या एक ओपल धारण करिए। मंगल खराब होगा तो फायर बिगड़ा हुआ होगा, अग्नि तत्व की मात्रा कुंडली में डिस्टर्ब होगी। ऐसी दशा में अगर मंगल खराब है तो सलाह लेकर के या तो एक मोती पहन लें या एक ओपल पहन लें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।